Hello students, welcome to US Foundation, myself Dr. Vikas. In previous classes, हम लोगों ने ये discuss किया था कि jaundice basically कहाँ से arrived हुआ है, क्यों होता है, किसका level बढ़ने से होता है, कौन-कौन सा sign and symptom आता है. अब जानें कि liver कितने type का होता है और liver का जो bilirubin होता है उसका metabolism कैसे होता है. Exactly, हम बहुत ही simplest way में इसको जानने की कोशिश करेंगे. तो पहले तो ये जाने कि जॉन्डिस जो होता है बेसिकली जो है थ्री टाइप्स का होता है, प्री हेपेटिक, इंट्रा हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक. मतलब हेपेटिक वर्ड जो है वो लीवर से आया है और उसी से जॉन्डिस ऐड कर दिया गया है. प्री हेपेटिक जॉन्डिस, इंट्रा हेपेटिक जॉन्डिस एंड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस. नाम से पता चल रहा है प्री हेपेटिक जॉन्डिस, प्री मतलब पहले, हेपेटिक मतलब लीवर, जॉन्डिस उससे पहले ही हो जाए. क्या होता है उसमें, तो उसमें ब्लड जो है वो लीवर से पहले ही आता है, उसी में जो बिलिरुबिनेमिया हो जाता है. तो ये थोड़ा इसका कम होता है, लेवल थोड़ा कम होता है. जैसे अगर हम देखें इसका तो 0.3 से 1 mg पर डीएल होता है, ये थोड़ा कम होता है. और ये बेसिकली जो है बोला जाता है कि लीवर के मेटाबॉलिज्म में लीवर के गड़बड़ी है या फिर कोई डिफेक्ट है तो ऐसा कंडीशन हो सकता है, या कोई जैसे मलेरिया है या हीमोलाइटिक एनीमिया जिसमें ब्लड टूटता है, या आरबीसी का लाइफ स्पैन बहुत रिड्यूस हो गया. जैसे आरबीसी का लाइफ स्पैन की सबको पता होगा 120 डेज होता है, अगर वो कम हो गया जैसे वो जल्दी ही टूट जा रहा है किसी वजह से, जैसे 120 डेज का होता वो 100 डेज में या 110 डेज में या 90 डेज में वो टूट रहा है ब्लड, मतलब लाइफ स्पैन है वो डेड कर जा रहा है ब्लड, तो ये कंडीशन जो है वो ये कॉज करता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस. तो ये मलेरिया वगैरह के केस में भी होता है, हीमोलाइटिक मलेरिया वगैरह के केस में भी होता है, या लीवर का कोई भी डिजीज है, कॉमन डिजीज है, लीवर इन्फेक्शन, ये सारे केसेस में ये चीज़ें दिखती है. इसके बाद आता है इंट्रा हेपेटिक जॉन्डिस. इंट्रा का मतलब अंदर, हेपेटिक का मतलब लीवर, और जॉन्डिस तो ये लीवर की अंदर की बात है. ये क्यों होता है, तो ये होता है लीवर पेरेन्काइमा की वजह से. लीवर पेरेन्काइमा, अब ये क्या है भाई, तो लीवर का जो सेल्स है, कूफर सेल्स होता है लीवर में, ये सेल्स में अगर कोई डिफेक्ट आया है या फिर उसके कोई अंदर के पेरेन्काइमा में जो भी उसके ट्यूबकल्स है या उसके लोब हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी पेरेन्काइमा है उसके, उसके में कोई डिफेक्ट आया है तो ये इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस होता है. ये थोड़ा इसके से थोड़ा ज़्यादा होता है, 0.3 से 20 mg पर डीएल ये ज़्यादा होता है. तो ये क्यों होता है, तो ये बहुत सारे कॉजेज की वजह से हो सकता है. लीवर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, या लीवर सिरोसिस है, या अल्कोहलिक सिरोसिस है, जो बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो लीवर में एक श्रिंकेज आता है, लीवर हार्ड भी हो सकता है और श्रिंक कर जाता है, और वो बहुत टिप से टो तक उसका साइन एंड सिम्टम आता है. लीवर सिरोसिस एक फेटल डिजीज़ है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन, उसमें पेशेंट मर जाता है, एसाइटिस हो जाता है, एडिमा हो जाता है, बहुत सारे केसेस हैं. तो लीवर सिरोसिस का केस है या कोई ट्यूमर है, लीवर में ट्यूमर है, या अगर हो सकता है गॉल ब्लैडर में ट्यूमर है, ऐसा केस है, या प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी कभी कभी जो है जॉन्डिस का केसेस आता है. तो ये सारे जो है इंट्रा हेपेटिक जॉन्डिस के वजह से होता है. ये इंट्रा पेरेन्काइमा, लीवर पेरेन्काइमा में कोई डिफेक्ट आया उसकी वजह से होता है, और वो डिफेक्ट क्यों आया उसके कॉजेस को भी मैंने क्लियर किया है. अब आते हैं कि पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस क्या होता है. तो पोस्ट हेपेटिक मतलब नाम से पता चल रहा है, पोस्ट हेपेटिक मतलब लीवर के बाद, लीवर के बाद, लीवर से पहले नहीं, लीवर से पहले प्री हेपेटिक था और इंट्रा हेपेटिक बता चुका मैं. इसके बाद आता है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, मतलब लीवर के बाद की कहानी. तो वो क्यों होता है भाई, तो अब ये होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब बिलिरुबिन जो है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है, वो जगह पे जा नहीं पा रहा है, उसका जो काम है वो नहीं कर पा रहा. बाइल जो उसका काम क्या है कि खाने को वो ये करना, पचाना, लेकिन ये क्या होता है, अब कोई बिलियरी ट्री में ही लीवर के बाहर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो वहीं पे एक्युमुलेट हो रहा है, वो रिलीज नहीं हो पा रहा है. तो ऐसे कंडीशन में पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होने का चांसेस है. अब ये क्यों होता है, अब ये लिटिल बिट वेरी हाई, ये 0.6 से 45 mg पर डीएल तक ये जा सकता है, बहुत हाई है. तो
तो ये माना जाता है कि कोई ऐसा ड्रग है जिसकी वजह से, ड्रग एब्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और सबसे डेंजरस कंडीशन कार्सिनोमा, मतलब कैंसर में, लीवर कैंसर है या कुछ ऐसा कैंसर है, या बाहर के भी कोई ऑर्गेन में कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर है, पैंक्रियाज अगल बगल ही रहता है उसके, तो पैंक्रियाटिक कैंसर है, ऐसे केसेस में पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होने का चांसेस होता है। तो बेसिकली हमने समझा कि टाइप्स ऑफ जॉन्डिस में थ्री टाइप्स ऑफ जॉन्डिस होता है, प्री हेपेटिक, इंट्रा हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। इसके बाद आइए जाने कि बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, क्यों बिलिरुबिन कहाँ पे गड़बड़ होता है, ये नहीं रिलीज हो पाता है। इसका तो बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो दिक्कत आएगा। सबसे पहले हीम, हीम मतलब होता है हेमोग्लोबिन, उसमें हीम ऑक्सीजनेज जो है एक्ट करता है तो ब्लीबरडीन बनता है। ब्लीबरडीन में फिर चेंज होता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन में, कंजुगेटेड बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन फिर कंजुगेट कर जाता है। अनकंजुगेट और कंजुगेट का मतलब होता है, अनकंजुगेट का मतलब अलग अलग, कंजुगेट का मतलब एक साथ, फिर एक साथ हो जाता है तो हो जाता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन। कंजुगेटेड बिलिरुबिन के बाद वो चेंज हो जाता है बाइल में, ये सारे एक मेटाबॉलिज्म, एक रिएक्शन के थ्रू होता है, तो बाइल में चेंज होता है। बाइल के बाद ये यूरिन में यूरोबिलिनोबिजिन होता है, ये यूरिन के जरिए निकल जाता है। और दूसरा होता है स्टर्कोबिलिरुबिन, ये फीसेस के जरिए, मतलब पॉटी एरिया के जरिए ये निकल जाता है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है, तो यहाँ बाइल वाले में दिक्कत आती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई डिजीज है या कुछ है, तो ये निकल नहीं पाता, या तो यूरिन के जरिए या तो फीसेस के जरिए। तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट करता है, बॉडी को येलोइश कलर देता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डैमेज भी करता है, और ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये रिलीज होना चाहिए बॉडी से, और ये नहीं रिलीज होता है तो ये बहुत सारा डैमेजेस कॉज करता है, हो सकता है ये फेटल डिजीज भी बाद में कॉजेज करे। तो दीज आर दी मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर एंड दीज आर दी टाइप्स ऑफ लीवर। इन फर्दर क्लासेस आई विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक पार्ट ऑफ जॉन्डिस, कैसे पता करेंगे कि जॉन्डिस है, क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, क्या क्या टेस्ट होता है डायग्नोसिस के लिए, कितना लेवल खतरनाक हो सकता है, और जानेंगे कि लीवर में क्या करे क्या ना करे, कैसा खाना खाए कैसा ना खाए। डैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास, थैंक यू। फर्दर क्लासेस में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नीचे गिर गया था।